दोस्तों शिव पुराण की कथाओं में आज हम भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा को जानेंगे। दोस्तों इससे पहले आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम भगवान शंकर से जुड़ी हुई 24 शिव पुराण की कथाओं को और 12 ज्योतिर्लिंगों को कवर करेंगे। तो दोस्तों आज हमारी पहली कथा है भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास आकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्गृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए चार वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद कहते हैं कि जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक ही शिव है। सामवेद कहते हैं कि जो समस्त संसारी जानों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबक शिव जी हैं। अथर्ववेद कहता है कि जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धुली धूसरित प्रेमनाथ कुबेटाधारी सर्ववेष्टित व्रपन्नवाही निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। दोस्तों भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण में आए हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। ये देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उनके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव और भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उन्हें काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा वृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ, वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे ही चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी का पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देवपितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी निवृत्त हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी यह कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शिव और सती के विवाह की कथा में। तो दोस्तों आप भी शिव पुराण की कथाएं जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी जल्दी से क्लिक कर लीजिए।